उदाहरण 11। एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं। जब प्रत्येक पंक्ति में चार विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तब चार पंक्तियां अधिक बनती हैं। लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में चार विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं तब दो पंक्तियां कम हो जाती हैं। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हल। माना पंक्तियों की संख्या बराबर x है मान लेते हम, तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। तो पंक्तियों की संख्या हमने x मानी और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y मान ली। तब कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y। तो हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर xy प्राप्त हुआ। जब प्रत्येक पंक्ति में चार विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y ऋण 4 होंगी, क्योंकि हमारे पास प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है और प्रत्येक पंक्ति में चार विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y में हम 4 को घटाएंगे तो हमें y ऋण 4 प्राप्त होता है। और पंक्तियों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर प्रश्न अनुसार x धन
चार हो जाएंगी। इसीलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या x धन चार है और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या स्क्वायर इन चार, इसको हम गुणा करेंगे तो हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने यहाँ निकाली थी एक्स वाई, तो हम बाएं पक्ष में एक्स वाई लिखेंगे और इधर दाएं पक्ष में कोष्टक को खोलेंगे। कोष्टक को खोलने पर पहला पद एक्स लिखेंगे और दूसरा कोष्टक वाई ऋण चार सामने लिखेंगे, फिर पहले कोष्टक का दूसरा पद धन चार और दूसरा कोष्टक फिर सामने लिखेंगे इसके बराबर एक्स वाई बराबर एक्स को वाई से गुणा करने पर एक्स वाई ऋण चार एक्स और धन कोष्टक को खोलेंगे तो चार वाई चार गुणी चार धन को ऋण से गुणा किए ऋण चार चौक सोलह, या एक्स वाई एक्स वाई का पक्षांतर हम करेंगे तो ऋण एक्स वाई बराबर ऋण चार एक्स धन चार वाई ऋण सोलह, या यहाँ पे एक्स वाई को एक्स वाई से घटाने पर शून्य प्राप्त होगा बराबर यहाँ पे हम चार को सभी पदों से उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो कोष्टक में हम रखेंगे ऋण एक्स धन वाई ऋण चार, क्योंकि चार चौक सोलह आता है, चार हमने बाहर निकाला तो आखिरी पद में अंतिम पद में जो है हमारा ऋण चार हमें प्राप्त होता है, या ऋण एक्स धन वाई ऋण चार बराबर शून्य, या ऋण एक्स धन वाई बराबर चार। ये हमारा पहला समीकरण है। आगे हम देखते हैं इसके आगे, परंतु जब प्रत्येक पंक्ति में चार विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं तब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या तब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या तब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या हो जाएंगी बराबर y धन चार, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में चार विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं तब हम y में पहले प्रत्येक पंक्ति में y विद्यार्थी थे और चार विद्यार्थी को और खड़े कर दिए जा रहे हैं तो y में हम चार को जोड़ देंगे तब पंक्तियों की संख्या प्रश्न अनुसार पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या हो जाएंगी बराबर x ऋण दो। तो इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर
ये दोनों को हम गुणा कर देंगे, x ऋण 2 और y धन 4। अब या विद्यार्थियों की कुल संख्या हमारे पास एक्स वाई है बराबर एक्स ऋण 2 वाई धन 4, या एक्स वाई बराबर एक्स और फिर वाई धन 4। पहले कोष्टक का पहला पद फिर दूसरा कोष्टक सामने लिखेंगे, फिर पहले कोष्टक का दूसरा पद ऋण 2 और दूसरा कोष्टक सामने लिखेंगे, या एक्स वाई बराबर एक्स वाई धन 4x ऋण 2y ऋण धन ऋण और 2 चौक 8, या एक्स वाई एक्स वाई का पक्षांतर करेंगे तो ऋण एक्स वाई बराबर 4x ऋण 2y ऋण 8, या शून्य बराबर यहां से 2 को बहनिष्ठ निकाल सकते हैं हम, तो हमारे पास प्राप्त होगा 2x ऋण y ऋण 4, कोष्टक को हम बंद कर लेंगे, या 2x ऋण y ऋण 4 बराबर शून्य हमें प्राप्त होगा, या 2x ऋण y बराबर ऋण 4 का पक्षांतर करेंगे तो 4, तो 2x ऋण y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण निकाय, समीकरण निकाय ऋण x धन y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 1 है। उसी तरह से हमने दूसरा समीकरण क्या प्राप्त किया, 2x ऋण y बराबर 4, यह हमारा समीकरण 2 है। अब इसके आगे हम आगे अगले पृष्ठ में देखते हैं। चूंकि समीकरण निकाय में y के गुणांक समान है, तथा चिन्ह असमान है, इसलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर y निरस्त हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, तब हम समीकरण को जोड़ेंगे तो ऋण x धन y, ये आपका पहले समीकरण का बायां पक्ष और समीकरण 2 के बायां पक्ष को जोड़ेंगे तो 2x ऋण y बराबर 4, दायां पक्ष में है 4 धन 4, पहले समीकरण का दायां पक्ष 4 है और दूसरे समीकरण का दायां पक्ष 4 है, तो 4 और 4 को जोड़ रहे हैं क्योंकि हम समीकरण 1 और 2 को आप दायां पक्ष को और बायां पक्ष को जोड़ रहे हैं, तो हमें ये प्राप्त होगा, यहाँ पे धन y और ऋण y कट जाएगा और ऋण x धन 2x बराबर हमें x प्राप्त होगा बराबर 4 और 4 8। समीकरण में समीकरण
एक में एक्स का मान रखने पर समीकरण एक हमारे पास है ऋण एक्स धन चार बराबर ऋण एक्स धन वाई बराबर चार। एक्स का मान आठ रखने पर हमें प्राप्त होगा या ऋण आठ धन वाई बराबर चार या वाई बराबर चार। ऋण आठ का पक्षांतर करेंगे तो धन आठ या वाई बराबर बारह। कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों कुल विद्यार्थियों की संख्या में प्राप्त होंगी। हमारे कुल विद्यार्थी जब हमने पहले माना था तो ज्ञात हुआ था x और y का गुणा है, एक्स वाई है, तो x का मान हमने निकाला 8 गुणा y का मान हमने निकाला 12, तो 12 अट्ठे 96। तो इस तरह से हमने प्राप्त किया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वह 96 है। यह इस प्रश्न का हल होगा।